2017 में नगर निगम, पहला नगर निगम सहारनपुर को मिलने जा रहा है, पहला मेयर, पहले 70 पार्षद आप लोग भेजने जा रहे हैं, 12 प्रत्याशी आपके वार्ड से, आप लोग बिल्कुल सोच समझ के, मैं भी अगर उस लायक नहीं हूं तो मेरे को वोट मत करना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं सबसे अच्छा हूं, मेरे से 11 सब बहुत ठीक नहीं है। अगर मैं भी कहीं लगता हूं कि खरा नहीं उतरा हूं पिछले 11 साल में आपके बीच, तो मेरे को वोट मत करना, कहना यार मनमोहन तूने वोट नहीं किया कुछ। लेकिन अगर मैंने कुछ किया है तो मैं आप लोगों से सबसे गुजारिश करूंगा कि मेरे को दोबारा आप नगर निगम में भेजें 2017 के बीच में, जो अपनी बात कह के आपसे मत मांग। साथियों, मैं 11 साल से आप लोगों के बीच में, मैं इस मंच के माध्यम से, आज इस मेरे ऑफिस के बोर्ड के माध्यम से मैं आपको सब आगाह कराना चाहता हूं कि इन 11 सालों में जो मेरे से बन पड़ा, मैं कभी पीछे नहीं रहा हूं। अगर कोई भी यहां पे मौजूद या कोई अन्य जो यहां पे मौजूद नहीं है, अगर कोई भी कह दे कि मेरे घर पे कोई आया या मेरे को रास्ते में चलते हुए कोई मिला है और मेरे को कोई काम कहा है किसी ने, तो मैं कभी पीछे नहीं हटा उसको। वो किसी तरह का काम हो, मेरे ऑफिस यानी मेरी नगर पालिका या उससे बाहर भी कोई संबंधित कोई काम था, तो मैं कभी पीछे नहीं हटा। मैंने कभी मना नहीं किया उसको, यार मैं ये काम नहीं करता, हमेशा विपक्ष में रहा हूं, कभी सत्ता के साथ नहीं रहा। बहुत सारे लोग भ्रमित कर रहे हैं कि ऊपर भी सरकार नीचे भी सरकार है और जुनेजा निर्दलीय होगी, जीत जाएगा तो कुछ कर नहीं पाएगा। तो मेरे 11 साल हमेशा विपक्ष में रह के पीछे, मैं उन लोगों को जो भ्रमित कर रहे हैं, लोग चंद लोग भ्रमित कर रहे हैं मेरे लोगों को, मेरे वोटरों को, मैं उनको इस मंच के माध्यम से ये जताना चाहता हूं कि मैं 11 साल से हमेशा विपक्ष में रहा हूं और मैंने विपक्ष में रहते हुए आप लोगों के सामने जो कार्य किए वो सभा के सामने सफाई वाले रखने पड़े, मेरी वो मेरी जिम्मेदारी, मेरे को पता है मेरे को कैसे रखने हैं। तो उस मंदिर के लिए और उसको वहां की भव्यता को बढ़ाने के लिए पूरे शहर के लोग, बाहर के लोग वहां अपनी मन्नतें मांगने आते हैं, मन्नतें पूरी होती है। तो मैं आपसे ये भी वादा कर रहा हूँ कि वो रोड का मेरे को बहुत अच्छा वाला निर्माण करना है, वो अभी है वहाँ पे रोड, लेकिन उसको ऐसा वाला करना है कि वो कभी गंदा ना हो, वहाँ पे कभी गंदगी ना हो। मैंने 2006 में जब मैं जीता था, मैंने चंद वादे किए थे अपने लोगों के साथ, मैंने 18 महीने का मेरा छोटा सा कार्यकाल था, बहुत छोटा सा कार्यकाल था, और उस 18 महीने के कार्यकाल में मैंने सब अपनी तरफ से प्रयास किया था कि मैं जो वादे मैंने लोगों से किए मैंने पूरे किए। मेरे दुर्गापुरी, रामपुरी, लक्ष्मणपुरी, मेरे खलासी लाइन में पानी का बहुत अभाव था, पानी बहुत बहुत दिक्कतें थी मेरे लोगों को पानी की। सबसे पहले बोरी का नलकूप लगवाया, उसके बाद दुर्गापुरी, रामपुरी, लक्ष्मणपुरी और न्यू शादनगर वाली जो मेरी गलियां हैं, मेरा इधर वाला क्षेत्र है जिन्हें लोग गड्ढा बोलते थे, मैंने उसे अब लोगों से गड्ढा कहना कहलवाना बंद कर दिया मैंने। और जहां पानी नहीं था यहां पे इन इलाकों में, वो ऐसा अब आज की तारीख में मैं मंच से कह रहा हूं कि कोई मेरे को बता दे कि कोई घर ऐसा है जहां पानी नहीं है नगर पालिका का, कोई ऐसा घर नहीं मैंने छोड़ा। मैंने कभी भेदभाव नहीं किया कि यार ये मेरा वोटर था या मेरा वोटर नहीं था, वोट डालने जरूर जाया, क्योंकि वो हर आदमी का, हर बंदे का वो मताधिकार का प्रयोग करना डेमोक्रेसी में बहुत जरूरी है।